हॉस्पिटल सरकारी, और अररिया जाने में दिक्कत होता है, दिक्कत की वजह से जल्दी भर्ती नहीं लेता है, और उसी का वजह से होने टाइम में अथी डिलीवरी आदमी को मृत्यु हो जाता है। समस्या छे भोजपुर पंचायत में हॉस्पिटल नहीं छे, और हॉस्पिटल छे टूटा भंगा गरु भैंस बांधे छे, 15 साल से बंद छे, तो हम चाहे छे हॉस्पिटल चालू हुए। अररिया जिला के भोजपुर पंचायत के भोजपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, जिससे यहां की लोगों को अस्पताल जाने आने में बहुत परेशानी की सामना करना पड़ता है। हमर बहू के मतलब दर्द जागले, यहां वो हॉस्पिटल नहीं रहे सरकारी अपन पंचायत में, इलेल मतलब 25 किलोमीटर दूरी चले पड़े, इलेल परेशानी बढ़ गए। वहां पहुंचते समय लापरवाही चल रही, वो डॉक्टर सब सरकारी वहाँ पहुँचे थे, अररिया हॉस्पिटल सरकारी में। तो जब परेशान हम बहुत भेलिए, परेशान हुए के बाद में जहाँ तक जो क्षमता भले वो कर लिए, करे के बाद में नहीं हासिल कर सकलिए, तब पेशेंट हमार डेट कर लगे है संतान हुए के बाद। तो वो बच्चा का क्या हुआ? बच्चा को पाल रहा है दादी दादा, पोस रहा है, डिब्बा वाला दूध पिलाता है, और दूध में बहुत खर्चा होता है, बच्चा भी बहुत रोता है माँ के बिना। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारा गांव में, हमारा पंचायत में एक तो हॉस्पिटल हो जाए, तो दूरी नहीं पड़ेगा, सबको सुविधा होगा, लेडीज़ को जितना है सबको सुविधा होगा, डिलीवरी पेशेंट होने में भी दिक्कत नहीं होगा, चेक कराने में टाइम पर दिक्कत नहीं होगा। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि सिविल सर्जन एनके ओझा को इस नंबर पर 94 73 33 30 30 पर फ़ोन करके दवा बनाए, साथ ही जल्द ही उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करवाया जाए। मैं सीता, बिहार के अररिया जिला के इंडिया अनहट के लिए।